मसूरी एक खूबसूरत पर्यटन स्थल जहाँ प्रकृति के अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। शायद इन्हीं रंगों की वजह से इसे पहाड़ों की रानी कहते हैं। मसूरी पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में विगत 10 वर्षों में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। ट्रॉली से मसूरी की एक अलग ही अदा दिखाई पड़ती है। चलती हुई ट्रॉली और नीचे का माल रोड का दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। छोटी छोटी पहाड़ियां और पहाड़ियों पर से बीच में से आती हुई ट्रॉली। ट्रॉली के इतने पास पहाड़, उन पहाड़ों के पीछे से दिखाई पड़ता है मसूरी शहर का विहंगम दृश्य। बर्फ से लदे ये पहाड़ किसी भी पर्यटक का मन मोह सकते हैं और इसके साथ मसूरी के चारों तरफ फैली हुई विभिन्न छटाएं आपको यहाँ बार बार आने के लिए मजबूर करती हैं और इसके साथ ही साथ आकर्षित भी। बर्फ में खेलते पर्यटक, आती जाती गाड़ियां, thank you.
आप यहाँ अलग अलग साधनों से आते रहे हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आप यहाँ छुप छुप करती हुई छोटी सी ट्रेन से भी आ सकते हैं? आपने कभी सोचा भी ना होगा कि इन घुमावदार नागिन से बल खाते रास्तों पर ट्रेन से भी आया जा सकता है। ट्रेन के द्वारा मसूरी पहुंचने के ख्याल मात्र कल्पना नहीं है। आइए देखते हैं ये कल्पना हकीकत के कितने करीब थी। शिमला का जन्म यद्यपि मसूरी के बाद हुआ, परंतु वहां पर सन 1903 में अंग्रेजों ने रेलगाड़ी पहुंचा दी, जिसे मसूरी का दुर्भाग्य कहें या फिर विडंबना, क्योंकि शिमला से पहले सन 1987-88 में अंग्रेजों द्वारा मसूरी में रेलगाड़ी पहुंचाने का प्रयास किया गया, परंतु ये प्रयास असफल ही रहा। राजपुर, जहां से इस परियोजना की दर्दनाक कहानी शुरू होती है। राजपुर देहरादून के निकट वो जगह है जहां रेलवे लाइन के लिए पहली सुरंग खोदी जानी थी। अंग्रेजों की खूबसूरत पर एक महत्वाकांक्षी और असंभव से प्रतीत होने वाली इस परियोजना की शुरुआत हुई। इस योजना की शुरुआत में किसी को नहीं मालूम था कि यह योजना कितने मासूमों की बलि लेगी। यह देहरादून का पुराना टोल बैरियर है। यही वो पहाड़ है जो अनगिनत मजदूरों की अकाल मौत का कारण बना और शायद उस घटना का मुख गवाह भी है। आइए हम लोग इस पहाड़ के और करीब और इसकी गोद में चलते हैं। इस रास्तों पर कभी एक अच्छी सी सड़क बनी थी, पर आज मात्र यहाँ पगडंडियाँ हैं और पुराने जमाने की कुछ टूटी फूटी ईंटें जो उस काल की याद दिलाती हैं। यही वो सुरंग है जो इस परियोजना की पहली और आखिरी गवाह और दर्शक दोनों है। यह मात्र सुरंग का मुहाना नहीं है, बल्कि बीते हुए लम्हों के अंदर जाने का
एक प्रवेश द्वार भी है। कोई नहीं जानता कि इस मलबे के नीचे कितने अनजाने दर्द सालों से चीख रहे हैं। कोई नहीं जानता कि इस मलबे के नीचे कितने मासूम आज भी कंकाल के रूप में जीवित हैं। इतिहास के पन्नों में यह 70 मीटर लंबी सुरंग आज भी इस इंतजार में है कि कोई तो आए और इस कालखंड के पन्नों पर जमी धूल को एक हल्की सी फूंक मारकर तोड़ाए। चलिए इस परियोजना के बारे में यहीं के निवासी से कुछ और जानते हैं। के पैदा रास्ते पे अंग्रेज जो है रेल पहुँचाना चाह रहे थे मसूरी में, आगे पहाड़ कच्चा निकल गया। यहाँ पर 30 मजदूर जो है उनका देहांत हो गया। यहाँ से मसूरी का टोल है, यहाँ से टोल टैक्स पड़ता था। इस परियोजना के चलते ही सन 1887 में जड़ीपानी में लाहौर रेलवे स्कूल की स्थापना की गई। सन 1888 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी इस स्कूल से संबंध हुई और ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना की गई, जो आज भी इसी नाम से रेलवे कर्मचारियों अधिकारियों के बच्चों का प्रमुख शिक्षण संस्थान बना हुआ है। स्कूल की स्थापना वर्ष से ही मसूरी तक रेल पहुंचाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। शाम हो रही है, सूर्य अस्त हो रहा है और इसके साथ ही अंग्रेजों का साम्राज्य भी अस्त हो गया और अस्त हो गई ट्रेन से मसूरी पहुंचने की एक खूबसूरत कल्पना।